हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक नॉन स्टॉप फाउंटेन। इसे कैसे बनाते हैं मैंने इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में दिखाई है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें 3 बोतल के ढक्कन लेने हैं और फिर उनके ऊपर 2 छेद कर देंगे और फिर 2 बोतलों के ढक्कन को आपस में हम ग्लू गन की हेल्प से चेप देंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, इस प्रोजेक्ट में हमें 3 बोतलों की जरूरत पड़ेगी। फिर हमें 1 बोतल लेनी है जिसको हम कुछ इस प्रकार से ऊपर से काट देंगे और फिर उसके ऊपर ढक्कन लगा के हम दूसरी बोतल के पीछे उसकी साइज ले लेंगे और उस बोतल को पीछे से काट के ढक्कन जितना छेद कर देंगे और फिर उसके ऊपर 1 सिंगल ढक्कन को चिपका देंगे और फिर दूसरी बोतल के अंदर हम कुछ इस प्रकार से स्ट्रो लगा देंगे। दोस्तों, अगर स्ट्रो छोटी पड़ती है तो कुछ हम 1 स्ट्रो को पीछे से काट कर उसके अंदर दूसरी स्ट्रो को डालकर कुछ इस प्रकार से चेप देंगे। तो इस प्रकार से मैंने 2 स्ट्रो तैयार कर लिए है और फिर अब मैं इसको ग्लूगन की हेल्प से ऊपर से सेट कर देता हूँ और फिर इसके ऊपर हम 4 इंच तक दूसरी स्ट्रो को डालेंगे जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ और फिर इसको भी हम ऊपर से सेट कर देंगे। फिर हमें यहाँ पर 1 स्ट्रो छोटी और 1 स्ट्रो बड़ी देखने के लिए मिलेगी और फिर हम 1 वह बोतल लेंगे जिसके पीछे हमने छेद किया था और उसके अंदर जो बड़ी वाली स्ट्रो है उसको काट के उसके अंदर डाल देंगे और फिर जो छोटी स्ट्रो है उसके अंदर हम दूसरी स्ट्रो जोड़ के उसको बड़ा कर देंगे। और फिर हमें 1 V-शेप स्ट्रो की जरूरत पड़ेगी जिसको हम जिस बोतल के ऊपर होल्ड किया था उसके ऊपर लगा देंगे दूसरी स्ट्रो जोड़कर। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि जो स्ट्रो सबसे लंबी है हमें उसको ऊपर से काट देना है। तो दोस्तों, जो हमने नॉन स्टॉप फाउंटेन बनाया है वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो गाइज, अब हम इसका टेस्ट करने वाले हैं कि यह काम करेगा या फिर नहीं। तो अब मैं इसके अंदर ऊपर वाले हिस्से में पानी डाल देता हूँ जो कि नीचे नीचे वाली बोतल में जाके डल जाएगा और फिर यह बोतल जैसे ही फुल हो जाएगी तो हमें इसको थोड़ा सा उल्टा करके बीच वाली बोतल के अंदर पूरे पानी को ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों, यहां पर हमारी पहली वाली बोतल फुल हो गई पानी से, तो अब हम इसको सेकंड वाली बोतल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और वह ट्रांसफर हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, बोतल को उल्टा कर देंगे तो हमारी बीच वाली बोतल के अंदर सारा पानी चला जाएगा। और अब हम इसके ऊपर वाले हिस्से में फिर से पानी डालेंगे तो हमारा नॉन स्टॉप फाउंटेन तैयार है। यह जब तक काम करेगा जब तक कि पहली वाली बोतल फुल न भर जाए। अगर यह बोतल फुल भर जाती है तो हमें फिर से उस पानी को सेकंड वाली बोतल के अंदर ट्रांसफर कर देना है और वह फिर से यूज करने के लायक बन जाएगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं मिलता हूँ आपको एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।